इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीड्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सोनू शर्मा। दूसरे चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा को बागियों को मनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। कांग्रेस ने जहां 23 सीटों पर बागियों को भाजपा के साथ रहकर चुनाव प्रचार करने के लिए मना लिया, बागियों के मान जाने से जोगी कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि वह इस उम्मीद में थे कि दोनों दल के बागी चुनाव में उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही दलों ने बागियों को ना सिर्फ मनाया बल्कि कई नेताओं को चुनाव संचालक के अलावा प्रचार की जिम्मेदारी भी दी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाने वाले सतनामी समाज के धर्मगुरु बाबा बालदास अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। खास बात यह है कि ये दोनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ चुनावी प्रचार पर निकलेंगे। बता दें कि 9 नवंबर को राहुल गांधी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ पर आ रहे हैं। वह पहले दौरे की 18 विधानसभा सीटों में से लगभग 1 दर्जन सीटों पर पार्टी का प्रचार करेंगे और चुनावी सभा करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। कहीं पर नेता जनता की शरण में है तो कहीं पर जनार्दन शरण में जा रहे हैं। प्रदेश में सभी 90 सीटों पर 2 चरणों में 12 और 20 नवंबर को मतदान होना है। इन सभी सीटों में से अंबिकापुर एक ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर सिंहदेव के खिलाफ सिंहदेव ही खड़े हैं। अगर सफ़र के दौरान आपकी बोगी में गंदगी हो तो अब आप एक कॉल या मैसेज करके सफाई करवा सकते हैं। रायपुर मंडल की ट्रेनों में कोच मित्र के नाम से इस पहल की शुरुआत की गई है। यात्रा के दौरान कोच मित्र को बुलाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 138 या फिर मोबाइल नंबर 9821736069 पर मैसेज भेजकर कोच मित्र को बुलाया जा सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए बहिष्कार की धमकी के साथ नक्सली लगातार वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जैसे जैसे बस्तर जिले में मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, नक्सली वारदात बढ़ती जा रही है। अब मंगलवार शाम नक्सलियों ने एक यात्री बस में आग लगा दी। नक्सलियों को देखते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। एसपी मोहित गर्ग ने इस घटना की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ग्रामीण न्यूज़। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।